स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ पर दूरदर्शन देहरादून के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से उत्तराखंड एक नई समाचार बुलेटिन का तोहफा दिया जा रहा है। कल 15 अगस्त से उत्तराखंड समाचारों की श्रृंखला में दोपहर 1 बजे से 5 मिनट का बुलेटिन शुरू किया जा रहा है। आरएनयू के समाचार प्रमुख राघवेश पांडे ने बताया कि अभी तक 6:30 पर 15 मिनट का ही बुलेटिन प्रसारित हो रहा था। 15 अगस्त से अब उत्तराखंड के 2 समाचार बुलेटिन देहरादून केंद्र से प्रसारित होंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इस मौके पर अपने शुभकामना संदेश में दूरदर्शन के क्षेत्रीय समाचार एकांश की इस पहल पर खुशी जाहिर की है। खुशी है कि दूरदर्शन ने एक पहल की है, पहले प्रोग्राम में बढ़ोतरी की है, अभी दोपहर में भी जो आप प्रसारण करने वाले हैं ये बहुत अच्छी है। राष्ट्र के लिए प्रसार प्रचार सूचना देना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ताकि हमारी जो अवेयरनेस है राष्ट्र के प्रति और हमारी जो खबरें हैं वो हर दिल हर दिमाग हर आत्मा तक पहुंचनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी नया समाचार बुलेटिन शुरू होने के मौके पर दूरदर्शन परिवार को शुभकामनाएं दी हैं। दूरदर्शन समाचार उत्तराखंड समाचारों की श्रृंखला में 15 अगस्त से एक और समाचार बुलेटिन प्रसारित कर रहा है। इसके लिए मैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी का आभार जताते हुए उत्तराखंड दूरदर्शन परिवार व को भी शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि इस बुलेटिन के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार तो होगा ही, साथ ही उत्तराखंड की सामाजिक सांस्कृतिक व धार्मिक गतिविधियों को आम जनमानस के साथ साझा करने का माध्यम भी बनेगा। मैं इस बुलेटिन के प्रसारित होने की अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं।